तो आज की हमारी इस क्लास में हम बातचीत कर रिकॉर्डिंग रहे इन हैं आपके प्रोग्रेस साथ बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे और क्यों करेंगे। ओके, नेस्टेड इफ का मतलब ये हुआ कि आप जो है एक ही सेल में दो इफ का यूज करें, बट क्यों। जैसे मैंने बताया था कि आपको 50 टू 80 के बीच वाले को मुझे 800 देना है, तो कल की क्लास में इसके लिए हमने इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, इफ के अंदर एंड का इस्तेमाल किया, राइट सर। बट एंड का यूज कब होता है, जब मल्टीपल कंडीशन हो बट सिंगल रिजल्ट हो। कई सारे कंडीशन हो लेकिन रिजल्ट इसमें 800 है ना, लेकिन अगर रिजल्ट बदल जाए तो क्या होगा। जैसे 50 टू 80 वाले को 800 देना है, लेस देन 50 वाले को मुझे जो है देना है मान लीजिए 100, और यहाँ पे ग्रेटर देन 80 वाले को देना है मुझे 200। ओके, तो उस केस में हम एंड का यूज करेंगे तो उसे बेनिफिट नहीं है ना। ओके, राइट। तो यहाँ पे हम इफ लगाएंगे, पहला इफ देंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे कि क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, ठीक है। ओके, राइट। उसके बाद हम कॉमा दे के यहाँ पे ट्रू रिजल्ट देते हैं, ट्रू रिजल्ट के जगह पे एक और इफ कंडीशन लगा देते हैं कि क्या ए लेस देन इक्वल टू 80 है। ध्यान देखिए कि दूसरा इफ तभी चलेगा जब पहला इफ अपना रिजल्ट फुलफिल करेगा। पहला इफ रिजल्ट फुलफिल नहीं करेगा तो दूसरा रिजल्ट भी, दूसरा इफ वर्क नहीं करेगा। मतलब कि वो 80 को चेक कर रहा है, इसका मतलब है कि वो 50 क्रॉस कर चुका है, यहाँ पे रिजल्ट 800 देंगे। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे इस दूसरे इफ के फॉल्स पार्ट में है, इसका मतलब है कि वो 50 क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पे हम दे देंगे 200 और कॉमा हम यहाँ पे दे देंगे 100। समझे, 100 क्यों है, 150 ना हो। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, इसको एक बार समझाता हूँ आपको मैं। देखिए पहले चेक करेगा, पहला इफ चलेगा, पहला इफ इस कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा। ओके, नहीं हुआ तो क्या होगा कि दूसरे इफ को इग्नोर कर ये 100 का रिजल्ट देगा। ओके, ठीक है। ओके, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने लेस देन 50 100 किया हुआ है, तो अगर यहाँ फुलफिल नहीं हुआ मतलब कि 50 से छोटा है, किसने 100 दे दिया। दूसरा इफ चेक करेगा, अगर दूसरा इफ का रिजल्ट अगर फुलफिल हुआ तो ये आपका 800 शो करेगा, नहीं तो 200 शो करके बाहर आ जाएगा। समझ गए, यस यस। इसको नीचे तक ड्रैग कर। अब मान लीजिए ग्रेडिंग सिस्टम को ही ले लेते हैं, ये आपका मान लीजिए स्कोर है, ठीक है। अब मुझे ग्रेड देना है बिटवीन का कि यहाँ पे कि 0 to 40 है तो हमें देना है सी ग्रेड, राइट सर। 41 टू 80 है तो हमें देना है बी ग्रेड, और ग्रेटर देन 4 कर देता हूँ यहाँ पे, 40 टू 60 कर देता हूँ, 40 टू 60 है तो बी ग्रेड, 60 टू 90 है ए ग्रेड, और ग्रेटर देन 90 है तो ए प्लस। समझे, राइट। अब कैसे होगा, तो यहाँ देखिए स्लैब है और स्लैब में बिटवीन तो है, तो आप सोचेंगे सर आपने बिटवीन के लिए एंड बताया तो एंड यूज कर लें, लेकिन यहाँ दूसरा एंगल भी आपको देखना होगा कि यहाँ हर एक नंबर के लिए कुछ ना कुछ रिजल्ट है, तो हम इसको स्लैब के अकॉर्डिंग सिक्वेंसली लेके चलेंगे। हम यहाँ लिखेंगे कि इफ, इसको सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि अगर लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहाँ पे सी ग्रेड शो करे, सी, राइट। फिर वापस हम इफ कंडीशन देंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 60 है तो यहाँ बी देंगे, बी देंगे। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे,
देखिए क्या होगा यहाँ पे, इस चीज़ को समझ लीजिए एक बार, कि दूसरा इफ तभी चलेगा जब पहला इफ फुलफिल नहीं होगा। मतलब कि अगर के ट्वेंटी में, अगर के ट्वेंटी फुलफिल हो गया तो यहीं पे सी दे देगा और इधर से बाद जितने भी इफ लगेंगे सबको स्किप कर देगा, ओके ओके हाँ ठीक है ना? क्योंकि हर रिजल्ट, हर इफ दूसरे इफ के ट्रू पार्ट में नहीं, फॉल्स पार्ट में। ओके फिर यहाँ पे हम इफ, इक्वल्स हाँ हाँ फिर इफ यूज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 90 है तो हम ए ग्रेड देंगे। अगेन इफ अगर ए ग्रेटर देन 90 है तो ए प्लस, ए प्लस। और फिर लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करने का रिजल्ट नहीं है, एंटर प्रेस कीजिए, ब्रैकेट अपने आप क्लोज कर देगा। अच्छा, वो कितना ब्रैकेट देना है वो अपने आप डिसाइड करें। जी अपने आप डिसाइड करें, आपको करने की ओके ओके ठीक है। हेलो राइट राइट। अभी एक इसमें मेरा ये क्वेश्चन है, अभी देखो पहला हमने बोला कि के टू इज हाँ बोले क्या बोल रहे के टू इज लेस, के टू इज लेस और इक्वल टू 40। ठीक है मैं समझाता हूँ, इसे समझिए समझिए सही से। सबसे पहले ये अपना कंडीशन चेक करेगा, ठीक है? अगर एक कंडीशन फुलफिल हुआ तो रिजल्ट आएगा सी और ए पूरा इग्नोर हो जाएगा, समझ गए? नहीं नहीं दैट इज ओके। मेरा कहना है कि पहले में भी 40 है और दूसरे में हम बोल रहे हैं कि फिर बी रेंज को भी हमने 40 टू 60 दिया है। हम वही तो आपको बता रहे हैं कि दूसरे इफ के ऊपर, दूसरे इफ पे तभी जाएगा पहला इफ फॉल फॉल्स नहीं हो। अगर वो अगर मान लीजिए लेस देन 40 मिल गया, मतलब 35 मिल गया, तो 60 वाला चेक ही नहीं करेगा। नहीं नहीं मेरा कहना था सर कि ये पहला 0 टू 40 हमने दिया है, उसके बदले में 0 टू 39, 0 टू 39 देना चाहिए ना। हम इसको 0 टू 40 क्या बोल रहे हैं, 0 टू 39 देना चाहिए। हां क्योंकि 40 40 दूसरे, ये तो आप समझ ही सकते हैं, छोटी सी चीज है। और नहीं नहीं मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि ऐसा चलता है। हाँ हाँ आपको करना हो ले आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपने यहाँ पे लेस देन करना चाहिए था, समझे? हाँ ठीक है ओके, समझ में आ गया आपको एग्जांपल? यस 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 यस। तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ का, अब जो नेस्टेड इफ का यूज मैंने किया ए जो था वो था हमारा और के लिए, मतलब कि स्लैब्स के लिए। अब मान लीजिए कि आप रिजल्ट की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कुछ ये डाल देता हूँ, नेम डाल देता हूँ। और मान लीजिए कि उनके सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थ्री, ऐसे सब्जेक्ट हम तीन ही सब्जेक्ट डालते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिजल्ट देना है। रिजल्ट में क्वेश्चन ये है कि तीनों रिजल्ट अगर ग्रेटर देन 30 है तो पास, अदरवाइज फेल, जो कि मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था। राइट राइट। तो यहाँ हम फॉर्मूला देते हैं इफ का, और हमने नेस्टेड इफ के जरिए करना चाहते हैं, हम इसमें एंड नहीं लगाना चाहते। तो पहला कंडीशन दिया है कि लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो यहाँ पे दूसरा इफ चले, इसको सेलेक्ट किया और मैंने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो तीसरा इफ चले, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो अब तीसरा इफ में हम देंगे, अगर तीसरे इफ तक पहुँचता है तो पास है, अदरवाइज इस तीसरा सब्जेक्ट में फेल है, समझे? अब यहाँ पे हमने जब ख़त्म किए तो देख रहे हैं हमारा सिंटैक्स यहाँ इस इफ के नीचे आ गया, तो इससे मदद मिली कि हमने पहले वाले इफ का लॉजिकल टेक्स्ट डाल दिया, वैल्यू ऑफ ट्रू डाल दिया, अब हमें फॉल्स डालना है, तो कॉमा डाल के आप सब्जेक्ट टू फेल कर दीजिए, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अपने आप ये पहला इफ आ गया। तो इससे आपको बेनिफिट मिलता है, इससे ये मिलता है आपको सहूलियत मिलती है देखने में कि कौन से इफ का क्या डाल रहे हैं। एस वन का फेल नहीं डालने की जरूरत नहीं, हाँ डाला ओके। नहीं डालने की जरूरत है सर, क्योंकि मान लीजिए कि ना, हाँ, यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे फेल तो अगर एस वन एस टू थ्री नहीं डालते हैं तो आपको यहाँ पे फेल तो डालना ही पड़ेगा ना, तीन फेल, राइट? क्योंकि फेल होने के तीन चांसेस हैं यहाँ पे,
करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अगर ना डालेंगे तो क्या होगा, अगर फेल होगा तो फेल के जगह पे फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है सर। ये ब्रैकेट जो आपने सर क्लोज किया, ये हर के यस्त्री के बाद क्लोज किया, जितना इफ होगा उतना ब्रैकेट क्लोज होगा। तो पहले इफ के अंदर दूसरा इफ है, दूसरे के अंदर तीसरा इफ है, तीसरा इफ में हमने यहाँ ट्रू दे दिया, फॉल्स दे दिया, तो ब्रैकेट क्लोज किया। फिर बट हमने पहले इस पे क्लोज नहीं किया था ना, पहले बी टू ग्रेटर देन 30 जो हमने किया, पहला हमने पहला इफ लिया ब्रैकेट ओपन किया, दूसरा इफ लिया ब्रैकेट ओपन किया, तीसरा इफ लिया ब्रैकेट ओपन लिया, अब क्लोज होगा तीसरा दूसरा उपाय, मतलब 1 2 3 ओके, 3 2 1 ठीक ठीक, समझ गया सर, समझ गया समझ, ओके ठीक है या चलिए। तो सर मैं चाहूंगा इसकी प्रैक्टिस करें, और जैसे कि मैंने